पुराने घरों पे मैंने देखा है, या मेरा जो अगर पुराने नानी का घर पे भी मैंने देखा, ऊपर में सामान रहता था, बहुत हंडी रहता था, इतना बड़ा बड़ा हंडी रहता था। मैं मैक्सिमलिस्टिक हूँ, मैं मिनिमलिस्टिक नहीं हूँ। तो मिनिमलिस्टिक का कॉन्सेप्ट पता नहीं इंडिया पे बहुत अभी रिसेंटली आया है, पहले नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मिनिमलिस्टिक और मैक्सिमलिस्टिक ये जो वर्ड दोनों आया है ना, ये नहीं था। जस्ट जब ऑलमोस्ट थोड़ा सा कुक हो जाएगा, क्योंकि मैंगो थोड़ा सा इसको ढक दे। कोकोनट, करी पत्ता, जीरा, हरी मिर्च, दही, देखिए इसको पेस्ट बना। और ये जो ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा तब थोड़ा सा कच्चा करी पत्ता और जो मसाला पिसा था वो। जस्ट इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है, सारे सब्जियां लेकिन होल होल रहना चाहिए। जस्ट नारियल को हल्का सा मतलब कुक कर लिया, थोड़ा सा सॉल्ट भी दिया, सॉल्ट कम था। और इसको गैस को अभी ऑफ करके कच्चा कोकोनट ऑयल, ये मस्ट है, बस हो गया। इसको मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से, करना सब्जियां टूटना। मूंग दाल को यहाँ पे मैंने बॉयल किया है, ऑलमोस्ट मतलब 80% कुक हो चुका है, धो के रखा था वो। और इसमें मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला, दो टाइप का मेरे पास है, मैं दो टाइप का मसाला बनाती हूँ, तो वो ये दिया है, ब्लैक पेपर, घी में मस्टर्ड, थोड़ा सा काजू को मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए दिया है, सूखी मिर्च, चना दाल, उड़द दाल, ब्लैक पेपर, सॉफ्ट कोकोनट, और ये छौंक का जो खुशबू आ रहा है ना, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और इसको जस्ट थोड़ा सा मैंने शुगर दिया था और ब्लैक पेपर हिसाब से, ये छौंक देखे। साथ चटनी बनाना था कोकोनट, कोकोनट को फाड़ा ढाई करके, खराब कोकोनट निकल गए। अभी रात को कौन लाएगा, आप लोग छोड़ दो, ये मस्त लगता है एकदम खाना, भाई एकदम पाइपिंग हॉट। हाँ, गरम गरम खाना चाहिए। और ये तो है अवियल, मेरा अवियल इस तरह से, कभी कभार आप पतला भी बना सकते हो, राइस के साथ मस्त लगता है एकदम। तो आज तो एकदम सात्विक खाना, सात्विक हुआ ये क्या, ये प्रॉपर सात्विक ना, मतलब देख के लगेगा सब्जी या साबूदाना, लेकिन खा के देखना एक बार। गुड मॉर्निंग, दाल चावल सब्जी एक साथ, उसके साथ घी, क्या बोलते दही, दही के वजह से बेचारा कल्ला खड़ा होगी। सारे एक साथ खिचड़ी बना लेती, अब सीढ़ी बोलते ना खिचड़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, का खिचड़ी रोज स्वीटी, दोपहर में ज़्यादातर इस टाइप के, मतलब सब्जी रहे तो भी उसको खिचड़ी बनाएगी, तभी जाएगी, आज लेट करके जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग,
और अभी स्वीटी अभी स्कूल गई, आज थोड़ा लेट करके गई, 11 बजे निकली है, आज लेट है, अभी 11 बज चुका है। आज मैं भी शांतनु 7:30 बजे गए, मैं 1 घंटा सो गई थी, 7:30 नहीं 7:45 बजे गए, तो मैं 8 बजे सो गई। मैं बोला स्वीटी का आज थोड़ा लेट है ना, तो थोड़ा एक घंटा 15 मिनट में सो लिए। मैं बोला नहीं आज सोना, कल रात को भी लेट, कभी कभी लेट हो जाता ना सोते हुए, तो मैं बोला नहीं थोड़ा सा सो जाता है, ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो आज सैटरडे भी है, हैप्पी वाला वीकेंड, एंजॉय करो आप सब। और अभी घर का पूजा भी करना है आज थोड़ा, मैं बोला स्वीटी जाती है ना उसके बाद पूजा करती हूँ, या क्योंकि हड़बड़ हो जाता है ना। ज़िंदगी जीने के लिए अभी सोशल मीडिया बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ट्रेंड आ रहा है, न्यू वर्ड आ रहा है जो हमने बचपन से तो कभी नहीं सुना है, ना हमारे स्कूल में सुना था ना बाद में भी सुना है। जैसा मिनिमलिस्टिक और मैक्सिमलिस्टिक, ये दो वर्ड रिसेंटली हमने सुना है, पहले नहीं था। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ज़िंदगी क्यों जीना है? जिनको जो पसंद है, जिनका घर सजाने का तरीका अलग होता है, साउथ इंडियन का घर अलग होता है, बंगाली का घर अलग होता है, सबका घर सजाने से लेके जीने का तरीका अलग होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, मैक्सिमलिस्टिक मिनिमलिस्टिक ये सब। मैं मैक्सिमलिस्टिक हूँ क्योंकि मुझे घर सजाना, मुझे क्रॉकरी कलेक्शन करना, मेरा ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और मुझे मिनिमलिस्टिक घर देखने में भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। सबका अलग अलग चॉइस होता है, सबका इंडिविजुअल चॉइस जैसा होता है ना, घर सजाने से लेके लाइफ जीने की तरीका जो होता है सब। आप लोगों के डिमांड के हिसाब से आज एक चीज़ शेयर करूँगी, मेरा मैक्सिमलिस्टिक एक सामान एकदम बोल सकते, मेरा ट्रेडिशन जिसके साथ जुड़ा हुआ है, मेरा कल्चर जुड़ा हुआ है, और जिसका साथ मेरा हेल्थ बेनिफिट भी जुड़ा है। हेल्थ बेनिफिट मीन्स ये नहीं वेट लॉस सिर्फ हेल्थ बेनिफिट के अंदर नहीं आता है, मेंटली फिजिकली आप फिट कितना हो, जो चीज़ें शेयर करूंगी ये हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही, उसके साथ साथ मन को खुश करता है क्योंकि मैं इसमें खाना बना के मैं हैप्पी रहती हूँ। ये सारा आपने कहाँ से खरीदा है? देखो सब अलग अलग जगह से है, कोई लिंक नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने ऑनलाइन पे नहीं खरीदा है, तो ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने ज़्यादातर बर्तन मार्केट मुंबई का, कुछ मेरा नेटिव प्लेस से है, बर्तन मार्केट का काफ़ी सारे वीडियोस है उसमें आपको दिख जाएगा। तो मेरा यहाँ पे कुछ ब्रास और कांसे का है, ब्रोंज जिसको बोलता है, जैसे ये वाला, ये है कांसे का, ये इस तरह से है। एक्चुअली कैमरा थोड़ा ऊपर में था तो इतना दिखेगा नहीं, मुझे चेयर थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, लाइट आता है ना तो अच्छा दिखता है। और ये सारे, ये दो जो है ना, ये कांसे का है, ये मैं डेली भी यूज़ करती हूँ और स्पेशल हिसाब से भी यूज़ करती हूँ। कांसे का बर्तन में कोई के पूछते हैं मैत्री आप खट्टा चीज़ें बनाते हो वो अच्छा नहीं है, लेकिन आप प्योर कांसे में खट्टा चीज़ें बना सकते हो। हाँ आप स्टोर नहीं कर सकते ज़्यादा देर के लिए, लेकिन प्योर कांसे में मैं इसमें स्टोर भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्योर कांसा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा मिलावट नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर आप थोड़ा बहुत सर्च करोगे ना गूगल में तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, क्योंकि उड़ीसा वेस्ट बंगाल में कांसे के सामान में ही पहले खाना बनता था पहले ज़माने पे। एल्यूमिनियम तो बहुत बाद में आया, उसके बाद लोहा भी आया था बीच में, उसके बाद एल्यूमिनियम ने बहुत कब्जा कर लिया था, लेकिन एल्यूमिनियम का चीज़ें एकदम भी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। लोहे का जो कढ़ाई देखते हो पतला वाला, वही मैं यूज़ करती थी, किसी किसी को कन्फ्यूज़ होता था वो एल्यूमिनियम का है लेकिन वो एल्यूमिनियम का नहीं है, एल्यूमिनियम एक्चुअली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये इस तरह से, मतलब थोड़ा बड़ा साइज़ का, कितना 3 लीटर तो हो गए शायद, और इसके साथ ऐसा वाला ढक्कन भी था,
ये मैंने सेट में लिया था, ये बर्तन मार्केट में वहीं पे, मतलब पर्टिकुलर कोई एक दुकान से नहीं लेती हूँ मैं कुछ भी सामान, जब भी जहाँ पे जाती हूँ जो दुकान पे पसंद आ जाता है शांतनु, उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो देख के उसको पता चल जाता है कौन सा चीज़ है क्या है। ट्रस्ट के ऊपर तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि जो पुराने दुकान है वहाँ पे आपको खराब चीज़ें नहीं मिलता, इसीलिए मैंने बोला ना ऑनलाइन पे अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे इसका और एक छोटा वाला है इस तरह से, इसमें मैं खट्टा चीज़ें सब यूज करता हूँ। हाँ, ब्रास का जो चीज़ें है उसमें कलाई किया जाता है, जैसा मेरा ये देखो बैटरी ऑफ हो गया था, मैं बार बार यही कर रही हूँ, एक बार बैटरी ऑफ एक ऊपर नीचे, क्या करो कैमरा को बार बार एडजस्ट करना ना, ऐसा ही होता है। और हाँ, जो मैंने बोल रही हूँ तो मतलब ब्रास का जो चीज़ें है उसमें आप खट्टा नहीं बना सकते, उसमें कलाई कराना पड़ता है। जैसे ये वाला है कलाई किया हुआ है, ये ब्रास का है, अंदर में कलाई मीन्स एक टीन मेटल का मतलब एक लेयर रहता है, वो आप अगर ब्रास का सामान लेके जाओगे ना तो जो जो दुकान में करते हैं कलाई तो वहाँ पे इजीली कर देते हैं। तो ब्रास का सामान इस तरह से मेरा कलाई किया हुआ, दिखने में ये सुंदर है, ये छोटू वाला है बहुत क्यूट वाला। और इसके साथ मैंने ढक्कन अलग से लिया था, ढक्कन अलग दुकान से लिया था, ये अलग दुकान से लिया था, इस तरह से ढक्कन है। यहाँ पे ब्रास का मैंने बोला था उनको नॉब, जैसा नॉर्मली ढक्कन में क्या होता है, ये नॉर्मल जो जो कढ़ाई वगैरह का ढक्कन मिलता है ना वैसा वाला है, तो ये इस तरह से, ये स्टील का है यहाँ पे, और मतलब मैंने जोड़ी हिसाब से लिया था। और ये जो है ना इसमें भी कलाई किया हुआ, ये क्योंकि ये ब्रास का है इस तरह से, ये गुजराती शायद मुझे जितना पता है ये गुजराती स्टाइल है, गुजरात में ज़्यादातर ये वाला स्टाइल यूज़ होता है। और ये वाला, ये जो है साउथ में महाराष्ट्र में ज़्यादा यूज़ होता है, और कांसे का सामान वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा यूज़ होता है। और ये जैसा ये भी कांसे का है, ये बहुत पुराना है, ये मेरा मतलब जो भी नहीं पता मैं कब से, शायद शादी के टाइम का होगा। और ये कुछ चीज़ें जैसे ये मैं, ये कुकिंग के लिए नहीं है, ये सर्विंग के लिए यूज़ होता है, इसमें भी अलग अलग है। कांसे में देखो आवाज देखोगे काफी वाइब्रेशन रहेगा, तभी आपको पता चल जाएगा कौन सा कांसा है कौन सा ब्रास है। लेकिन उसमें भी ब्रास में भी कभी कभार होता है, लेकिन मतलब सुनते सुनते आपका एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए, ऐसा आवाज होता है, काफी देर तक मेरा हाथ में भी वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो ये पकड़ लोगे तो बंद हो जाएगा। ये इस टाइप का है, ये कटोरी है, ये कांसे का ही है। और यहाँ पे ये इस तरह से पीछे ब्लैक टाइप का एक कुछ मतलब क्या बोलूँ, एक लेयर दिया रहता है, दिखने में भी सुंदर रहता है और प्रोटेक्ट भी रहता है, मतलब ज़्यादा घिसता भी नहीं, इसीलिए ज़्यादातर दिया जाता है। तो बंगाल में और उड़ीसा में ये आपको इजीली मिल जाएगा, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा या तो ये बंगाल का है या उड़ीसा का है, उड़ीसा का कांसा बहुत फेमस है। तो इस तरह से है ये, मतलब ये दोनों का जोड़ी मैंने हिसाब से लिया था, और ये तीन का, ये सामान है लेकिन उड़ीसा का। ये इस तरह से ये प्योर कांसा का है, और पीछे अंदर में वो ये बोला ना ब्लैक कलर का एक लेयर किया रहता है, और अंदर में इस तरह से ये मतलब साइज काफ़ी ज़्यादा है, मैंने आपने देखा होगा मैं इसमें ज़्यादातर सर्व करती हूँ दाल वगैरह सब्जी वगैरह। और इसमें ये कांसे में अगर आप स्टोर भी करोगे कुछ ख़राब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। और कांसा का बहुत हेल्थ बेनिफिट है, आप अगर गूगल से सर्च करोगे तो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इसीलिए हमारे ट्रेडिशनल पुराने टाइम पे कांसा ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी फिर से वही सारे रिटर्न हो रहा है, बोलते हैं ना पुराने चीज़ें फिर से वापस आ रहा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कांसा यूज़ करती हूँ हेल्थ के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है कांसे में खाना रखना, खाना बनाना और खाना खाना भी। ये जो है ना ये एक ब्रास का है, ये देखा है ना इसमें कलाई किया हुआ है हैंडल के साथ है। बहुत क्यूट लगता है, इसके साथ कोई ढक्कन नहीं आया था तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ प्लेट वगैरह दे देती हूँ। और एक ये सर्विंग वाला है, ये कांसे का है, ये ब्रास का है, जो कलाई किया हुआ है ज्यादातर ब्रास का है, क्योंकि वो कुकिंग खट्टा चीजें नहीं बना सकते प्योर ब्रास में। और ये जैसा ये भी काला है, और ये लेकिन कांसे का है, ये मैंने कभी पूजा के टाइम लिया था, ये सर्विंग के हिसाब से इस तरह से प्लेट टाइप का।
का है, मतलब बोल टाइप का है। और यहाँ पे ये जो ग्लास है, ये ग्लास देख रहे हैं, ये शांतनु का बचपन का ग्लास है, छोटा वाला इस तरह से। तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला था तुम इसको रखो तो ये मतलब रहेगा, इसीलिए मदर इन लॉ ने इसको दे भी दिया था, जो बोले तुम अपने पास रखो इसको, तभी याद रहेगा। मुझे भी नहीं पता था, ये भी शायद शांतनु का बचपन का ही है, तो ये उतना यूज नहीं होता तब से, मतलब ये देखो थोड़ा काला काला पड़ गया है ना, ये ऐसे मतलब सोप इस हिसाब से रखा है, मेमोरी हिसाब से। तो मेरे मदर इन लॉ ने ये दो दिया था, बोला था ये तुम अपने पास रखो, शांतनु का निशानी है, मतलब शांतनु का बचपन का चीज है ना, कुछ चीजें देखना बचपन का चीज है, बहुत प्यारा होता है। और उसके बाद ये तो दिखाया, और एक दो ट्रे है मेरे पास, ये जो ट्रे है ना ब्लैक ब्लैक है, लेकिन इसका स्टाइल ही है ब्लैकिश टाइप का, ये कोई काला नहीं हुआ है, पहले तो और भी ब्लैक था, फिर भी मैंने तो इसको दो चार बार घिसा था, थोड़ा व्हाइट हो गया, तो ब्लैक के ऊपर ये जो डिजाइन है ना ये उभरता है, यहाँ पे कुछ मोम टाइप का कुछ लग गया था, इसको घिसना नहीं है, ये घिसेंगे तो थोड़ा उतना सुंदर नहीं दिखता ज्यादा, और पहले सुंदर था, लेकिन दो चार बार यूज करने के बाद मैंने घिसा था तो थोड़ा ब्लैक कम हो गया था। इसका ये डिजाइन है, किसी धनतेरस में मैंने खरीदा था बहुत पहले का, मतलब स्वीटी तब छोटी थी, इसमें 10 साल तो हो गया होगा उसका। और ये वाला एक, ये तो ऐसे ही मैंने शौक से लिया था किसी, ओ ये दिवाली के टाइम ये सब चीज़ें अच्छा लगता है ना, दिवाली के टाइम ये सब चीज़ें दिखने मिलता है। और ये है बंगाली दोसान बोलते हैं, तेले दोसान, ये एक मस्टर्ड ऑयल रखने के लिए यूज होता है, तो मैंने ऐसे पहले रखा था, उसके बाद देखा नहीं मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं हो रहा है, मैंने ऐसे इसे एक्चुअली बंगाली ट्रेडिशन हिसाब से लेके आई थी, कभी कभार फ्लावर सजाती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है, तो देखती हूँ बाद में अगर यूज़ करती हूँ तो अगर प्रॉपर ठीक तरह से मतलब कंफर्टेबल हो पाती हूँ। और ये ब्रास का है, ये क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, क्योंकि ये मैंने शौक से खरीदा था 2-3 साल पहले दिवाली के टाइम, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब ब्लैक पड़ जाता है, ये जो ब्लैक है ना उठता नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉलिश किया हुआ है, कुछ चीज़ें ब्रास का होता है जो पॉलिश किया हुआ रहता है ना उसमें अगर दाग बैठ जाए ना तो आप इसको घिसोगे तो भी, ये मुझे उतना दिखने में सुंदर है लेकिन ऐसे मतलब मैं खाने के लिए यूज नहीं करती हूँ, सजाने के लिए। और स्पेशल कलेक्शन तो मेरा और एक है ये वाला, ये भी वैसे हमारे वहाँ पे सांवतल बाटी भी बोलते हैं, मतलब ट्राइबल लोग ज्यादातर ये वाला गोल जो ऐसा वाला है ना ये यूज करते हैं, मुझे नहीं पता था बाद में मुझे पता चला, ये दोनों का एक जोड़ी, मतलब ऐसे काला, ये काला एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए दिया रहता है, बेसिकली ये पहले डेली यूज होता था ना तो घिस के नीचे पूरा मतलब बर्तन के साथ रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे घिसता रहेगा। और ये एक फ्लावर वाला डिजाइन है, ये तो मैंने आपने देखा वो मेरा डेली यूज होता है, बहुत ज्यादा इसको एकदम व्हाइट नहीं करती हूँ कभी भी, क्लीनिंग कैसे करती हूँ प्रॉपर एक वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि कुछ कुछ मेथड है। और एक ये वाला, ये दोनों का जोड़ी लिया था, मतलब जोड़ी नहीं अलग अलग थी, एक्चुअली वजन के हिसाब से मिलता है, कोई भी कांसा का सामान आपको वजन के हिसाब से कितना किलो हिसाब से बिक रहा है उस टाइम पे, करंट जो होता है ना जैसा सोना होता है ना वैसे ही, ये भी वैसे ही मतलब वजन के हिसाब से मिलता है, ये भी वैसे ही काफी बड़ा है, मतलब शायद 1.5 किलो तो आराम से आएगा शायद, मुझे जितना लगता है, बहुत सुंदर है दिखने में, मुझे ऐसा ब्लैक वाला, ये ट्रेडिशनल एकदम डिजाइन जिसको। सबसे खूबसूरत चीज दिखाया था ये उड़ीसा का है, ये इस तरह से किसी एग्जीबिशन बांद्रा में किसी एग्जीबिशन से लिया था, इस तरह से हाथ से, ये सारे हाथ का कारीगरी, जो भी सामान आप मेरा यहाँ पे देख रहे सारे हैंडमेड चीजें है, कांसा का सामान बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, ये प्राइस भी थोड़ा ज्यादा रहता है, बाटी बोलते हैं इसको, ये ढलाई टाइप का होता है, उसके ऊपर ही कार्विंग हाथ से किया जाता है, भारी है काफी, और डेली यूज करोगे ना तो काला भी नहीं पड़ेगा। आज ना और भी बहुत कुछ लेके मिलता है, सिर्फ जो ये यहाँ पे है वो दिखाते हैं, सोचा नहीं आप में से बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं मैत्री एक वीडियो में अपना पूरा ब्रास कलेक्शन रखे, देखो पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी, जितना दिखा रही हूँ ये मेरा डेली यूज होता है, या जो स्पेशल वीडियोस बनाती हूँ उसके लिए यूज होता है, स्पेशल ओकेशन में यूज होता है, और भगवान का अलग से बर्तन का पूरा कलेक्शन है, वो किसी टाइम में शेयर करूंगी, वो ह्यूज कलेक्शन है। और ये सारे चीजें 1-2 साल का सामान नहीं है, 10-12 साल का सब सामान है, इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हो एक बार में मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि कांसा का सामान थोड़ा स्टील से ज्यादा प्राइस है और वजन हिसाब से होता है।
और ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हिसाब से हो सकता है। जैसा गोल्ड में कोई इन्वेस्ट करता है, वैसे कांसा भी बहुत मूल्यवान चीज होता है। इसका प्राइस दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा ये बर्तन देख के आप नया बर्तन भी ले सकते हो, पुराने के भाव में ये बेचते मतलब ले लेते हैं, और नया बर्तन आप कुछ भी खरीद सकते हो। मैंने एक दो बार दिया था, एक दो थाली, मेरा बहुत पुराना हो गया था तो वो देख के कुछ नया ले लिया था। और पहले जब मैंने स्टार्टिंग में जो प्राइस में खरीदा था, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इसका हेल्थ बेनिफिट सबको पता चल रहा है तो और भी बढ़ रहा है। ये सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, ये वंश परंपरा एक दूसरे के पास जाता है, ये हमारे ट्रेडिशन है। तो आपने देखा होगा ये भी ऐसे पूरा, देखो पूरा काला था, और भी ज्यादा काला था। यहाँ पे देख रहा, डेली मेरा यूज होता है ये, आटे का लिए मैं डेली यूज करती हूँ उसको। पहले मैं स्टील का यूज करती थी, उसके बाद स्टील छोड़ दिया। स्टील का है अभी भी, उसको मैंने फेंका नहीं है। कुछ मिर्ची वगैरह सुखाने के लिए यूज करती हूँ। ये मेरा सिंक के ऊपर रहता है, कुछ नॉर्मल वॉश करती हूँ इसको। ये एक है, ये काफी मतलब भारी टाइप का ही है, थाल टाइप का कुछ बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर नाम है सब चीजों का। जैसा मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, अगर कोई बंगाली है तो बता देना। जैसा इसका भी कुछ नाम है, इसका तो बाद में मुझे पता चला सांवताल वाटी कुछ ऐसा बोलते हैं, मतलब ट्राइबल बोल बोल सकता है ऐसा वाला, शायद पर्टिकुलर कुछ नाम है। डेली मेरा दाल होता है तो मैं ज्यादा साफ नहीं करती हूँ, डेली जो यूज होता है उसको यूज करती हूँ। बहुत काला, धीरे धीरे थोड़ा ब्लैकिश टाइप का हो जाता है, लेकिन उसको ज्यादा घिसना नहीं है, ज्यादा साफ करना नहीं है। डेली मतलब महीना, एक महीना में बहुत ज्यादा मतलब घिस के साफ कर लेती हूँ, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा ही रहता है। और इसी का ही और एक है ये वाला, ये जब ज्यादा दाल बनाती हूँ या ज्यादा सब्जी कुछ बनाती हूँ तब यूज करती हूँ। ये बहुत कम यूज होता है, या तो ज्यादा चावल वगैरह बनाती हूँ तब यूज होता है। और एक मैंने लिया था, ये उड़ीसा का है, ये एग्जीबिशन से लिया था। ये इस तरह से है, ये हाथ से पीट पीट के बनाया जाता है। ये सारे चीजें जो देख रहे हो ये हैंडमेड है। हैंडमेड चीजें में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी ने इतना मेहनत करके, ये जो कांसा का चीज है ना, आप यूट्यूब में सर्च करके वीडियो देखना, कितना मेहनत होता है मतलब एक कांसे का एक बर्तन बनाने में, पूरा भट्टी में पूरा एक मेटल को पिघला के उसके बाद हैंडमेड किया जाता है। तो मुझे ये सब खरीद के मुझे बहुत खुशी मिलती है। एटलीस्ट किसी का अगर ये सब अगर खरीदना हमने बंद कर दिया, पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत गांव का रोजी रोटी चलता है उड़ीसा वेस्ट बंगाल का, तो वो पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पे गुजरात में भी कुछ जगह पे होता है, जैसे ब्रास का सामान साउथ में होता है, अगर साउथ इंडिया में कोई यूज नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे, वो सारे फैमिलीज का रोजी रोटी भी धीरे धीरे चला जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मैं यही सोचती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का अलग हो सकता है। तो ये जैसा मैंने उड़ीसा का है ये लिया था, ये एकदम साफ होता है, अगर बहुत ज्यादा घिस के साफ करोगे तो साफ हो जाएगा, लेकिन डेली यूज करते हो ना तो उतना जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन बाहर से इस तरह से ब्लैक है। ये हंडी है, ये 3-4 किलो का होगा। ये कभी कभार मैं बहुत ज्यादा मटन वगैरह बनाना होता है तब यूज करती हूँ। इसमें फिश वगैरह बहुत अच्छा बनता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जब कुछ यूज करना मतलब करना है तभी मैं यूज करती हूँ, इस तरह से है। और एक मैंने ये वाला लिया था, ये इस तरह से, ये तो आपने देखा होगा मेरा गृह प्रवेश मतलब जो जिस दिन पूजा का था, पूजा में मैंने ये वाला यूज किया था, मतलब दूध उबालने के लिए घर का। तो ये वाला, ये काफी भारी है, पीछे मतलब ऐसे काला किया हुआ है। इसमें मैं डेली बेसिस पर खीर बनाती हूँ, ज्यादातर मेरा ये खीर बनाने के लिए यूज होता है, छोटू सा है ना, राइस भी बनाती हूँ कभी कभार। और दो ये वाला, ये मेरा नेटिव प्लेस है, ये दोनों शायद एग्जीबिशन से लिया था। लिख के मैं कुछ कुछ रख देती हूँ, तो पूजा के लिए भगवान के लिए, जैसा धनतेरस में या तो गणपति के टाइम, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ भगवान के लिए ले लूँ, उसके बाद वो किचन में यूज होता है। और एक ये वाला, ये तो पराठा रखती हूँ, आपने डेली बेसिस पे देखा होगा, कोई कोई पूछते हैं मैत्री आप हमेशा एक ही चीज में पराठा क्यों रखते हो, कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ रीजन है क्या? नहीं, एक्चुअली पराठा इसमें साइज थोड़ा बड़ा है ना, तो पूरा बड़ा साइज का पराठा आ जाता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ ये कांसा के सामान, ब्रश के सामान यूज कर रहा हूँ। इसी का छोटा वर्जन, इसमें कभी कभार आटा छोटा है ना, तो थोड़ा सा अगर आटा गूंदने जाओ ना तो इसमें हो जाता है। तो ये वाला, इसका डिजाइन दिख रहा है, आई डोंट नो, इस तरह से डिजाइन है, डिजाइन ही है मेरा है इस तरह से। ये उड़ीसा का है, इस तरह से मतलब पूरा कर्विंग कर्विंग टाइप का है, काफी भारी टाइप का है ये, बहुत भारी है।
और एक पुचकी वाला ये स्वीटी का है और एक ये वाला शांतनु के लिए। ये तो मैंने एग्जीबिशन से लिया था। इस तरह से है, ये तीनों में मेरा हम तीनों का खाने का होता है। और भी एक दो है लेकिन ज्यादातर होता है किसी का एक पर्टिकुलर प्लेट वही वाला यूज करना है। तो एक ये वाला है और हाँ ये वाला जो शादी के है किसी ने गिफ्ट दिया था, मुझे भी नहीं पता किसने दिया था। शादी में होता है ना, हमारे शादी में ज्यादातर साड़ी ब्रास का सामान थाली वगैरह बहुत पड़ता है, मतलब थाली वगैरह बहुत गिफ्ट दिया जाता है। तो ये फूलदानी बोलते हैं हमारे वहाँ पे, साजी बोलते हैं इस तरह से। बहुत ज्यादा मैंने इसको घिसा नहीं है, जो काला काला दिख रहा है ना जानबूझ के मैंने रखा है, क्योंकि थोड़ा अगर पूरा घिस दूं ना तो डिजाइन पता नहीं चलता, और अगर थोड़ा सा साइड साइड में ब्लैकिश टाइप का रह जाता है ना तो उसका डिजाइन जो है ना वो उभर के आ जाता है। जैसे मेरा कृष्ण जी आप लोग देखते हो ना, वो व्हाइट नहीं था कभी भी, ब्राइट मतलब ऐसे कलर का नहीं था। मैंने जब लिया था, फोटो होगा तो दिखाऊंगी, वो एंटिक फिनिश में ही था। मैंने उसको घिस घिस के सफेद किया, तभी उनको फिर से एंटिक करने के लिए इसीलिए मैंने साफ नहीं किया काफी दिन से, जो ओरिजिनल जो जैसा था उनका चमकाना ही था, तो मैंने ब्रास फिनिश वाला लेती, तो तब मैंने एंटिक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था इसीलिए लिया था। तो ये भी वैसे इसीलिए देखो ना साइड से ब्लैक ब्लैक है ना, तो इसका डिजाइन बहुत पता चलता है, इस तरह से है इसका डिजाइन, मतलब ये इसको साजी बोलते हैं, वो वाला उसी का ही एक छोटू वर्सन। कांसे का सामान बहुत जल्दी ब्लैक नहीं होता है, ये ब्रास का है, ब्रास का सामान जल्दी ब्लैक हो जाता है। लेकिन जो ये सारे देखो ये तो ऐसे ही, उस दिन मैंने खीर बनाया था नॉर्मल धो के रख दिया था, तो बस इतना सा था। ये तो था और भी है, और निकालना ही पाऊंगी, और निकालना बहुत मुश्किल है, वो भगवान का जब बर्तन होगा दिखाऊंगी तब शेयर करूंगी। और एक चीज शेयर कर दूं, क्रॉकरी मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरा स्पेशल जो मोहिती सोना ब्लॉग है उसमें स्पेशल वीडियोज के लिए स्पेशल क्रॉकरी वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है देखने में, वीडियो में दिखने में अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे और पहले से मेरा शौक है, मेरा और शांतनु का दोनों का ही शौक है क्रॉकरी का। किसी किसी का होता है ना गैजेट का शौक है, किसी का मेकअप का बहुत शौक है, मेरे पास बहुत ज्यादा मेकअप का कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास क्रॉकरी का होम डेकोर चीजें इस टाइप की चीजें जिसका जैसा शौक है। और मैं मैक्सिमलिस्टिक हूँ, मैं मिनिमलिस्टिक एकदम भी नहीं हूँ। मेरे घर पे मैं ट्रेडिशनल चीजें, मैंने नानी को भी देखा है हमारे, मगर ट्रेडिशनल चीजों में देखो, ट्रेडिशनल घर पे भी देखो ऊपर में सामान रहता था, मतलब पुराने घरों पे मैंने देखा है, या मेरा जो अगर पुराने नानी का घर पे भी मैंने देखा ऊपर में सामान रहता था, बहुत हंडी रहता था, इतना बड़ा बड़ा हंडी रहता था। मैं मैक्सिमलिस्टिक हूँ, मैं मिनिमलिस्टिक नहीं हूँ। तो मिनिमलिस्टिक का कॉन्सेप्ट पता नहीं इंडिया पे बहुत अभी रिसेंटली आया है, पहले नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मिनिमलिस्टिक और मैक्सिमलिस्टिक ये जो वर्ड दोनों आया है ना, ये नहीं था, हमने बचपन से नहीं सुना है। बचपन से क्या, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब भी ये नहीं था। रिसेंटली अभी देखो ट्रेंड चाहता है, किसी को अच्छा लगता है तो उनकी चॉइस है ना, मेरा मैक्सिमलिस्टिक चॉइस है, मेरा मुझे अच्छा लगता है। मेरा बर्तन कलेक्शन, मैं जब भी खाना बनाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट बर्तन में सर्व करना, वीडियो में मुझे वो सारे प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर लगता है। ये काफी दिन से रिक्वेस्ट आया था, मैत्री आपका ब्रश कलेक्शन और कांसे का कलेक्शन दिखाना, ये एक कलेक्शन दिखाया। तो ये तो डेली जो यूज होता है, यहाँ पे कुछ रहता है कुछ किचन पे रहता है। ये वाला मतलब अगर सैटरडे खाना बना रही हूँ या स्पेशल कुछ वीडियो बना रही हूँ तब यूज करती हूँ, या तो आज देखा ना वो वाला मैं खाना बनाया, कल मैंने उसमें खाना बनाया फटाक से यहाँ से, एक्चुअली इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा, इसीलिए कैबिनेट बनाया भी है ताकि फटाक से यहाँ से ले लूँ खाना बना लूँ किचन पे। और कुछ तो ड्रायर में रहता है, जैसे ये थाली वगैरह ये पूरा ड्रायर पे ही रहते है। संसार का सारे चीजें आप लोग के साथ शेयर किया, एक दिन का संसार ये नहीं है, 10 साल का ये बोल सकते हो कलेक्शन, 10-12 साल का है। स्वीटी तब छोटी थी तब से मैं ये सब धीरे धीरे मतलब मुझे इंटरेस्ट था, मुझे शांतनु का इंटरेस्ट था, शांतनु का स्पेशली ये जो गोल गोल ट्रेडिशनल ओल्ड डिजाइन है वो बहुत पसंद है, ये वाला और ये शांतनु ने लिया था पूरा जो कलेक्शन है। बाकी मैंने ये वाला, मुझे साउथ का डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है। देखो ट्रेडिशनल मेरा बंगाली डिजाइन तो ऑब्वियसली बंगाली वो पसंद तो आएगा, लेकिन मुझे साउथ का डिजाइन भी बहुत पसंद आता है। तो बस कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर, मेरा ये कलेक्शन देख के आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पे नए पैर से तो सब्सक्राइब जरूर करना। भी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।